हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयसवाल टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जयसवाल टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ ओप्पो के एक नए फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है T1, जो कि अभी बहुत चर्चे में है। आज हम उसका करने वाला हूँ फुल रिव्यू, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसा है, सब मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल रेड की घंटी आएगी उससे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ओप्पो जा रही है करने एक अपने नए सीरीज के, जी हाँ दोस्तों, अपने एक नया सीरीज चलाने जा रही है जिसका नाम है T1, जो कि फ़ोन बहुत ही अच्छा होने वाला है और इसमें कुछ खास होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ओप्पो T1 है वो पावर्ड बाई है स्नैपड्रैगन 855, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल प्लेटफॉर्म। और ये फ़ोन किसी दूसरे फ़ोन से ज़्यादा ही फ्लैक्सिंग होने वाला है। और इस फ़ोन का एक खास बात है कि इस फ़ोन में नोच और अपंच होल नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये नया की है वो फ़ोन है। इस फ़ोन में आपको मिल सकता है पॉपअप सेल्फी कैमरा, जी हाँ दोस्तों, जो कि कितना सक्सेस होगा वो तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब हम आते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका डिस्प्ले 6.39 इंच का OLED डिस्प्ले होने वाला है विथ अनस्पेसिफाइड रिजोल्यूशन के साथ। और अब हम बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि 12 मेगापिक्सल सेंसर पॉप आउट कैमरा और ब्यूटी मोड के साथ होगा। जी हाँ दोस्तों, पॉप आउट कैमरा ये नया ओप्पो ने कुछ किया है अपने फ़ोन में और देखिए ये कितना सक्सेस होता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके रियर कैमरा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है जो कि अल्ट्रा क्लीनर कैमरा के साथ, और ये कैमरा सुपर नाइट स्किन मोड भी सपोर्ट करता है। और इस फ़ोन को हम लोग गेम मोड 3.0 भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से गेम चलने वाली है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी रैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये दो पार्ट में फ़ोन आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक 6GB रैम के साथ और एक 8GB रैम के साथ। 6GB रैम के साथ जिसका 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है, और 8GB रैम के साथ बात करें तो उसका 128GB इंटरनल मिल सकता है। और लास्टली हम इसका प्राइस के बारे में बात कर ले तो जी हाँ दोस्तों, 6GB रैम और 64GB इंटरनल के साथ मिल रहा है उसका अप्रोक्सीमेटली 26,000 से 28,000 के करीब में आपको पड़ सकता है। और 8GB रैम के बारे में बात कर ले, 8GB रैम और 128GB इंटरनल की, तो उसका आपको 30,000 से लेकर 33,000 तक अप्रोक्सीमेटली प्राइस पड़ सकता है। ऑल ओवर ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, और कब ये लॉन्च होगा कब तब मैं आपको इंट्रोड्यूस ज़रूर कराऊंगा कि कब ये लॉन्च होगा, डेट इसका कब रिलीज़ होगा। ये बहुत सुनी इसको ओप्पो की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि बहुत सुनी इसको अब डेट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। अब देखिए क्या आता है, एक पिक्चर केवल लीक हुआ है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर और अगले एक फ्रेश नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।